फ्रेंड्स, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस के अनिल क्वेश्चन बैंक से क्लास टेंथ के चैप्टर वन यानी कि हमारा कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के फोर्थ क्वेश्चन की हिंदी समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको पहले वीडियो में समझा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, और इस वीडियो पे अच्छी वीडियो अच्छी लगी या गंदी इसमें कमेंट जरूर करें। डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इन ब्रीफ। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है आपने सुना भी होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो पार्ट होता है कंप्यूटर, किसके कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर है हमारा कंप्यूटर का प्राइमरी एलिमेंट है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट भी है, ठीक है। प्रोसीडर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, वो किसका हमारे कंप्यूटर सिस्टम का इफेक्टिव ऑपरेशन है। किसका कंप्यूटर सिस्टम का इफेक्टिव वो है, क्या कहते हैं, ऑपरेशन, ठीक है। अब आता हमारा द सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्लासिफाइड है किसके ऊपर, कंप्यूटर की कैटेगरीज के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा, फर्स्ट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और थर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आता हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। जो हमारा वो है, क्या कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको प्रोग्राम में डायरेक्टली एंड इंटरैक्ट किसका, हार्डवेयर का। फॉर एग्जांपल, मतलब हम एक उदाहरण देता तुम्हें, व्हेन अ फाइल इज टू बी सेव्ड ऑन अ डिस्क, मतलब हमारे डिस्क में एक फाइल सेव है, ठीक है। क्या है, हमारे डिस्क में फाइल सेव है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर सेंड्स द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म। डिस्क में फाइल सेव है हमारी, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सेंड कर रहा है किसको, इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म को सेंड कर रहा है, ठीक है। दिस टास्क, मतलब जो हमारा टास्क है उसके ऊपर। इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो हमारा एनवायरनमेंट है किसका, कंप्यूटर का, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर आता हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिटन बाय कंप्यूटर प्रोफेशनल्स कॉल्ड और सिस्टम प्रोग्राम्स। हमारा सिस्टम प्रोग्राम में हमें रिटर्न करना है किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर प्रोफेशनल के ऊपर, सिस्टम प्रोग्रामर्स, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के, टू। फर्स्ट हमारा ट्रांसलेटर और सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट हमारा कौन सा, ट्रांसलेटर, और सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम। पर हम समझेंगे ट्रांसलेटर को। इंस्ट्रक्शन गिविन टू अ कंप्यूटर इन एनी लैंग्वेज हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन। दिस वर्क ऑफ ट्रांसलेशन इज डन बाय अ ट्रांसलेटर। आप समझेंगे हम इसकी हिंदी, कौन से पॉइंट के, ट्रांसलेटर के। इंस्ट्रक्शन गिविन टू कंप्यूटर इन एनी लैंग्वेज, हमें किसको इंस्ट्रक्शन बताना है, गिविन, गिव मतलब इंस्ट्रक्शन देना हमें किसका, कंप्यूटर की, बहुत मतलब अदर लैंग्वेज का, ठीक है। हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बाय, सॉरी फ्रेंड्स मुझसे गलत हो गया था, कोड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम इज टू एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमें क्या बताना है, अब हैव टू बी ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मतलब हमें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना किसी को, किसको, इनटू से मशीन कोड को, कंप्यूटर के लिए, टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, हमें इंस्ट्रक्शन देना। दिस वर्क ऑफ ट्रांसलेशन इज डन बाय अ ट्रांसलेटर, ठीक है बोलो। दिस वर्क ऑफ ट्रांसलेशन इज डन बाय अ ट्रांसलेटर, क्या हमने, हमें जो वर्क दिया गया था इंस्ट्रक्शन का वो ट्रांसलेशन था, और हमने ट्रांसलेट करके वर्क डन कर दिया अपना, ठीक है। अब आता हमारा ट्रांसलेटर कैन बी क्लासिफाई अस। फर्स्ट हमारा इंटरप्रेटर्स, कंप्लायर्स, असेंबलर्स, ठीक है।
कितने कौन कौन से, इंटरप्रेसर्स, कंप्लायर्स, असेंबलर्स। देखो अब हम पढ़ते हैं, हमें आप बच्चों को एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने आपको ट्रांसलेटर का मीनिंग नहीं बताया। ट्रांसलेटर का मीनिंग है हिंदी से इंग्लिश में करना, उसे कहते हैं ट्रांसलेट, या इंग्लिश से हिंदी में करना। ट्रांसलेटर का मीनिंग है हिंदी से इंग्लिश निकालना, इंग्लिश से हिंदी निकालना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी समझाया ट्रांसलेटर का मतलब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरप्रेटर्स, ठीक है। इंटरप्रेटर्स आर द ट्रांसलेटर विच आर यूज टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सिक्यूशन लाइन बाय लाइन। इट्स ट्रांसलेट वन टाइम एंड एक्सिक्यूट इट। हमें इंटरप्रेटर्स करना है ट्रांसलेटर विच आर यूज टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग। हमें कन्वर्ट हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन की लैंग्वेज में पर्पस करना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन, ठीक है, मतलब एक लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन, अलग अलग लाइन में। इट ट्रांसलेट्स वन स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूट। हमें उसी टाइम में करना है जो हमें टाइम दिया गया हुआ, ठीक है। अब आता हमारा कंप्लायर्स, सॉरी फ्रेंड्स वो कंपाइलर्स नहीं है, द कंपीलर्स है, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। द कंपीलर्स ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम कोड नोन अ सोर्स कोड एंड प्रिंट अ लिस्ट ऑफ एरर विच हैव टू बी करेक्टेड अस होल वंस द प्रोग्राम इज एरर फ्री द एक्सिक्यूट।